दोस्तों जून के महीने में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के फैंस को दो मूवीज का इंतजार था। पहली थी रेस 3 जो कि कुछ खास नहीं निकली और दूसरी थी संजू। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर की फिल्म संजू। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाते हैं और दूसरी तरफ रणबीर कपूर की हाल ही में कोई भी हिट मूवी नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे रीजन दूंगा जो कि ये प्रूफ करेंगे कि रणबीर कपूर की फिल्म संजू सलमान खान की फिल्म रेस 3 को काफी पीछे छोड़ देगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी। जी हाँ दोस्तों, दोनों मैटर में ऑडियंस को भी ये फिल्म संजू बहुत पसंद आने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कमाल करके दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजन की जो कि ये प्रूफ कर देंगे कि संजू फिल्म सलमान खान की रेस 3 को बहुत पीछे छोड़ देगी। तो कौन से है वो 5 रीजन, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है सब्सक्राइब का बटन, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 5 रीजंस की लिस्ट बनाई है जो कि ये प्रूफ करते हैं कि संजू फिल्म रेस 3 को काफी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है स्टोरी लाइन। अगर आपने रेस 3 देखी है तो आपको पता होगा कि सलमान खान की फिल्म रेस 3 में कुछ भी स्टोरी लाइन नहीं थी और ना ही कुछ सस्पेंस था। लेकिन दूसरी तरफ संजू फिल्म का ट्रेलर देखते ही आपको पता चल जाता है कि उस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी अच्छी होने वाली है और सबको पता है कि वो फिल्म संजय दत्त की रियल लाइफ पर बेस्ड है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संजय दत्त की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए हैं और इसीलिए इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये इस फिल्म का ट्रेलर देखते ही पता चल जाता है। तो दोस्तों जो नंबर 2 पॉइंट है वो है राजकुमार हिरानी। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार हिरानी इस फिल्म को बना रहे हैं, जिन्होंने अब तक फिल्में बनाई है मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots, PK जैसी फिल्में बनाई है उन्होंने। तो ये बात तो तय है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी फिल्म बनाते हैं या तो वो बनाते ही नहीं है। तो ये बात तो तय है कि ये फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल ऑफ इमोशंस। और ट्रेलर को देखते ही पता चल जाता है कि इस फिल्म में काफी इमोशंस, ड्रामा और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होने वाली है। और दोस्तों तीसरा रीजन ये है कि रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में आपको बहुत बढ़िया दिखने वाली है, क्योंकि ये फिल्म राजकुमार हिरानी बना रहे हैं और दूसरी तरफ रणबीर कपूर को फाइनली एक अच्छी फिल्म मिली है जो कि उनके करियर को बिल्कुल चेंज कर सकती है। तो रणबीर कपूर इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहेंगे और डेफिनेटली वो हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और इस फिल्म में भी डेफिनेटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। चौथा रीजन दोस्तों ये है कि ये फिल्म संजय दत्त की लाइफ पर बेस्ड फिल्म है। और दोस्तों संजय दत्त की दशकों से काफी बड़ी फैन फॉलोइंग रही है इंडिया में, तो ये फिल्म डेफिनेटली संजय दत्त के फैन तो जरूर देखेंगे ही, उसके साथ ही रणबीर कपूर के फैंस भी देखेंगे और उसके साथ ही राजकुमार हिरानी की जो मूवीज पसंद करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि संजू फिल्म रेस 3 को बहुत पीछे छोड़ देगी। पांचवा रीजन, संजू फिल्म की कास्ट काफी अच्छी लग रही है और काफी सूट कर रहे हैं वो जो भी रोल्स कर रहे हैं, जैसे कि परेश रावल रणबीर कपूर के पापा का रोल कर रहे हैं और परेश रावल काफी अच्छे एक्टर माने जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रेस 3 की बात करें तो उसकी कास्ट कुछ खास नहीं थी, सिर्फ सलमान खान और अनिल कपूर के अलावा, लेकिन वो भी अपने एक्टिंग का जादू नहीं दिखा पाए। तो गाइस ये एक और रीजन है कि संजू फिल्म रेस 3 को बहुत पीछे छोड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थे 5 रीजन जो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी वजह से संजू फिल्म काफी आगे रहने वाली है रेस 3 को और काफी जल्दी बीट कर देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ है बेल आइकन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।